बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को आपके सर की तरफ से एक प्यार भरा सलाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी छुट्टियों को। सो आज आप लोगों के लिए एक नया यूज़ जो है वो लेके आया हूँ, यूज़ ऑफ शुड हैव। सो यूज ऑफ शुड हैव, चाहिए था, ठीक है। इसके लास्ट पे आता है चाहिए था, ठीक है। माजी में नसीहत करना। अब माजी में हम नसीहत जो है वो किस तरह से कर रहे होते हैं, इसको चले मैं ना कुछ एग्जाम्पल से जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि जब भी हम क्लासरूम में होते हैं तो क्वेश्चनिंग और काउंटर क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, बट नाउ वी आर बाउंड टू स्टडी ऑनलाइन, सो वी कॉन्ट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो दैट्स वाई इसको जो है वो इस तरह से थोड़ा सा पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि हम हमेशा जो है वो एक्टिविटीज के साथ जो है वो चीज़ों को करते हैं, ठीक है। चले खैर कोई बात नहीं। तो अच्छा, सो इसको ऐसे समझ लेते हैं। मान लिया हमारे घर में ना एक दफ़ा शादी थी, तो मैं जो है वो शादी, जाहिर सी बात है मैं एक, आप समझते हैं कि मैं भी समझता हूँ कि मैं एक ड्यूटीफुल पर्सन। तो मैंने कहा नहीं यार छोड़ो यार, शादी छोड़ो, कॉलेज चलते हैं। तो कॉलेज से छुट्टी क्या लेनी है, तो मैं कॉलेज चला गया। और शादी में काफ़ी ज़्यादा काम थे। घर आया जब वापस कॉलेज से, तो अम्मी से भी और पापा से भी जो है वो थोड़ी सी डांट भी पड़ी कि आज घर में शादी है तो तुम जो है वो तुम्हें अपने कामों की पड़ी हुई है। सो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि यार मुझे कॉलेज से छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, जो बाद में हम कह रहे होते हैं कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था। सो वक्त तो गुजर गया होता है, लेकिन माजी में फिर हम अपने आप को जो है वो एक नसीहत कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इसी यूज़ को हम यूज़ करते हैं शुड हैव के साथ, ठीक है। और शुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैं कॉलेज चला गया। और वहाँ पे जो है वो हुआ ऐसे कि मैंने कहा नहीं यार खैर कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा। तो काम करता रहा, जब घर वापिस आया तो तबीयत आके और ज़्यादा बिगड़ गई। तब भी मैंने यही सोचा कि मुझे कॉलेज से छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, ये माजी में कोई नसीहत कर रहा हूँ मैं खुद को, ठीक है। या हम माजी में नसीहत कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट सेंटेंस इसका देखें तो अक्सर हम अपनी लैंग्वेज में ऐसे भी यूज कर रहे होते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखा तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तो यहाँ पे तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, माजी में कोई नसीहत कर रहे हैं, मतलब वक्त जो है वो गुजर तो चुका है, लेकिन अभी जो है वो फिर हम माजी में ही जाके तो क्या कर रहे होते हैं, नसीहत कर रहे होते हैं। कहा था ना मेरी बात मान लेते तो ऐसा ना होता, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, ठीक है। सो इस सिचुएशन में हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं शुड हैव, जब भी सेंटेंस के लास्ट पे चाहिए था आ जाता है, ठीक है। सो उसी को जो है वो शो किया जाता है शुड हैव के साथ, माजी में किसी चीज के बारे में नसीहत करना, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद शुड हैव, और इसमें आपको पता है कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। सो ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग याद रखिएगा। स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर टेंस का, हर यूज का अपना एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर याद करने से आप जो है वो बड़े बेटर वे से अपनी ट्रांसलेशन को जो है वो कर सकते हैं। और इसी स्ट्रक्चर से आपकी जब ऐसे राइटिंग आएगी या आप जो है वो थोड़ा सा प्रेसी राइटिंग आएगी, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी, क्योंकि हम इसको टोटली जो है वो क्रिएटिव वे के साथ पढ़ रहे हैं, ताकि जो भी आप सोचें वो आप अपने माइंड में जो भी सोच रहे हो, किसी भी तरह की लाइंस, किसी भी तरह की उर्दू,
किसी भी तरह की मतलब कोई भी चीज आप जो सोच रहे हैं आप उसको इजीली अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, वोकैबुलरी की एक्टिविटीज भी होंगी और बाकी चीजें भी होंगी, इंशाल्लाह सब कुछ ही होगा। चलें फिर देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देख लें और इसी के मुताबिक जो है वो आप लोगों ने जो नीचे वाले सेंटेंसेस दिए गए हैं एग्जांपल्स उनको देखना है। यू शुड हैव लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, अब चाहिए थी के लिए शुड हैव आ गया, ठीक है, माजी में नसीहत की जा रही है। ठीक है, उसके बाद सुन लेनी, ठीक है, सुनना लिसन थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब आ गया, ठीक है, मेरी बात टू मी। ठीक है, अब देखें इसमें सब्जेक्ट और शुड हैव और थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जो है जो ऊपर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है उसी तरह स्ट्रक्चर जो है वो नीचे फॉलो किया गया है। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को गौर से देखिएगा और आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी जारी रखें। इंशाल्लाह जब आपका टेस्ट हुआ करेगा या लाइव सेशन आगे हमारे होने हैं तो फिर मैं इन चीजों के बारे में आप लोगों से काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचा लेने चाहिए थे। ठीक है, दे शुड हैव सेव्ड सम मनी फॉर डिफिकल्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है कि पैसे नहीं बचाए थे तो अब थोड़ा सा बुरा वक्त आया तो फिर हम सोच रहे हैं कि हमें बुरे वक्त के लिए या उन्हें बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचा लेने चाहिए थे। ठीक है, माजी में पास्ट में ही किसी नसीहत को जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो दे शुड हैव सेव्ड सम मनी फॉर डिफिकल्ट टाइम। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये यूजेस होते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल, ये आपको बहुत जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगे। इनको बड़े गौर से समझना है, वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, इनके खुद से भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, पैटर्न आपके सामने आ जाता है तो आप लोग जो है वो फिर प्रैक्टिस किया करें कि आपने खुद जो है वो किस तरह से सेंटेंसेस को मैनेज करना है। अपने इर्द गिर्द सिचुएशंस को देखा करें, जैसे हमारी क्लासेस में मैं प्रैक्टिस आपको दिया करता था, वर्ब की प्रैक्टिस होती थी और ये सारी चीजें, तो अपने इर्द गिर्द सिचुएशंस को देखा करें, क्रिएट किया करें चीजों को, इसी तरह के उर्दू में सेंटेंस सोच के उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अच्छा, उसे हमारी हदायत पर अमल कर लेना चाहिए था। ही शुड हैव एक्टेड अपॉन आवर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, जब हम किसी से रूडली बात करते हैं, ठीक है, तो अनबन हो जाती है थोड़ी सी या लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम कमेंट ये अक्सर करते हैं, तुम्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव टॉक टू मी। ठीक है, अब यहाँ पे शुड के बाद नॉट आ गया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और उसके बाद हैव लगाया है। ये भी स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर नेगेटिव फॉर्म आ जाए तो शुड के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव और फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और बाकी चीजें। अच्छा, यू शुडंट या शुड, यू शुड नॉट हैव टॉक टू मी लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, हमें उनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर हमें उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वी शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये यूज पसंद आया होगा, इसको बार बार वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ये सदका जारिया होता है कि आप किसी को कोई भी जो है वो चीज़ बताते हैं अच्छी लगती है तो अपने फेलोज की हेल्प किया करें। तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज वगैरह होती हैं या कोई टेंशन परेशानी है तो मेरा बेटा आप लोग जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अपनी क्यूरीज को, पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अपनी प्रैक्टिस वगैरह चेक करवानी हो तो वो फिर आप जो है वो आपको पता है कि आप सॉल्व करके तो वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।